हाँ जी, आज हम बात करने वाले कंजक्शन एंड की। तो देखिए, कंजक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास तीन ही पार्ट हैं। इन तीन पार्ट को हम एक सेम लेवल पे जोड़ने के लिए, कि जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही जोड़ेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि हम कि ये सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचा हमारा सेंटेंस में, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो यदि प्रेडिकेट है तो उस प्रेडिकेट को भी हम सेंटेंस में ऐड करने का काम करते हैं। सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा, और सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट डिफरेंट है तो हम प्रेडिकेट को कंजक्शन की हेल्प से ऐड करते हैं। तो हम पहले आज बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट हैं तो हम हेल्पिंग ये जो है सब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो हम कंजक्शन एंड की हेल्प से कैसे उनको जोड़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, मैंने लिखा है मानव गोज टू स्कूल डेली, प्रिंस गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास मानव है और प्रेडिकेट का पार्ट हो गया गोज टू स्कूल डेली, ये बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस में हमने लिखा है प्रिंस गोज टू स्कूल डेली, प्रिंस सब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग पार्ट उसका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने उनके साथ में यूज़ की है। क्लियर? लेकिन जब कंजक्शन एंड की हेल्प से जुड़ेंगे तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, फिविलिटिव होगा, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर से प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे मानव एंड प्रिंस, अब दोनों मिलके यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहे हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब है वो भी कैसी यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। तो मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो इंग्लिश में हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती है। तो सेंटेंस हमारा बन गया इसको कंजक्शन हेल्प की सहायता से जोड़ने पर, कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस थे, सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट थे, प्रेडिकेट का पार्ट सेम था, तो हमने लिखा मानव एंड प्रिंस गो टू स्कूल डेली। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर? प्लूरल वर्ब हो गई। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई राइट अ शॉर्ट स्टोरी एवरी डे, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, रिमेनिंग पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेडिकेट हो गया। देन सेकंड सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हो गया, राइट अ शॉर्ट स्टोरी डेली। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि ऊपर वाले सेंटेंस में जिससे मानव और प्रिंस है वो नाउन था, लेकिन यहाँ हमने प्रोनाउन को यूज़ किया आई और यू। क्लियर? और आई और जब प्रोनाउन को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन को ऐड करने का जो हमारा रूल है वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में हमने प्रेडिकेट के हेल्प से किसको जोड़ा है? सब्जेक्ट को जोड़ा है, आई एंड यू, आई एंड यू। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ भी हमने प्लूरल फॉर्म वर्ब भी यूज़ किया है, यू के साथ भी प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है, और जब एंड की हेल्प से हमने इसको जोड़ दिया तो वर्ब हमारी प्लूरल ही यहाँ पर लिखी हुई है। आई एंड यू राइट अ शॉर्ट स्टोरी एवरी डे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर रीड्स अ न्यूज़पेपर रेगुलरली, द स्टूडेंट्स रीड अ न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो यहाँ टीचर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया रीड्स को। क्लियर? द स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमने प्लूरल यूज़ की है, लेकिन एंड कंजक्शन की हेल्प से जब हम जोड़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल जो हमारा नाउन है उनको, तो हमारा सब्जेक्ट फिर प्लूरल बनेगा, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारे यहाँ तक का, द टीचर से स्टार्ट होकर स्टूडेंट्स तक का, तो वर्ब इसके साथ हमने प्लूरल यूज़ किया रीड। क्लियर? द टीचर एंड द स्टूडेंट्स रीड अ न्यूज़पेपर रेगुलरली। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला सेंटेंस, यू बाय अ न्यू नोटबुक, योर ब्रदर बाइज अ न्यू नोटबुक। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे पास एक प्रोनाउन है और दूसरा नाउन फ्रेज है, तो नाउन के साथ हम प्रोनाउन को ऐड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में है। तो हमने क्या लिखा, यू एंड योर ब्रदर। अब यहाँ देखिए यू है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं बाय, लेकिन योर ब्रदर लिखकर सिंगुलर है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब किया। जैसे हमने कंजक्शन एंड की हेल्प से यू एंड योर ब्रदर को ऐड किया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया और वर्ब हमने कैसे यूज़ कर ली, प्लूरल। तो सेंटेंस हमारा बन गया यू एंड योर ब्रदर बाय अ न्यू नोटबुक।
क्लियर। तो इस तरह से हमने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, जैसे लिखा आई सो सम सीड्स, तो ही शोज सम सीड्स। अब दोनों को हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है और बाकी जो पार्ट है प्रेडिकेट का वो सेम है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एंड ही शो सम सीड्स। अजय कुक्स फूड, विजय कुक्स फूड, तो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, कुक्स वर्ब लिखी है दोनों में, लेकिन जब कंजक्शन की हेल्प से हम जोड़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी प्लूरल होगी। अजय एंड विजय कुक फूड। नेक्स्ट सी सेव्स अ बर्ड, ही सेव्स अ बर्ड। अब यहाँ देखिए ही और शी डिफरेंट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है, एंड कंजक्शन की हेल्प से जुड़ेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब हमने सिंगुलर यूज की, दोनों जगह सिंगुलर वर्ब है। ही शी एंड ही, सी एंड ही सेव अ बर्ड, तो यहाँ सेव क्यों, क्योंकि हमने जो डिफरेंट हमारा सब्जेक्ट था एंड की हेल्प से जोड़ा, क्यूमुलेटिव हो गया, तो प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। माई मदर टीचेस यू, आई टीच यू, तो अब यहाँ देखिए हमने क्या बनेगा सेंटेंस, माई मदर एंड आई टीच, अब टीचर्स नहीं होगा क्योंकि मदर सिंगुलर था तो हमने टीचर्स यूज किया, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माई मदर एंड आई टीच यू। यू गिफ्ट मी अ पैन, माई फादर गिफ्ट मी अ पैन, तो यहाँ भी सेम स्टेट होगी, यू हमारे पास सब्जेक्ट है उसके साथ में हमने वर्ब लिखी गिफ्ट, माई फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हमने लिखी है, तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, यू एंड माई फादर गिफ्ट मी अ पैन। क्लियर, दे वॉन्ट टू स्टडी दिस टॉपिक एट नाउ, देन राहुल वॉन्ट्स टू स्टडी दिस टॉपिक एट नाउ, सब्जेक्ट डिफरेंट है, सब्जेक्ट को एड करेंगे एंड की हेल्प से, दे एंड राहुल वॉन्ट टू स्टडी दिस टॉपिक एट नाउ, आई ड्राइव माई कार एंड माई सन ड्राइव्स माई कार, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था वर्ब सिंगुलर यूज की है, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, कंजक्शन एंड की हेल्प से जोड़ा, आई एंड माई सन ड्राइव माई कार। द फार्मर प्रेज टू द गॉड, हिज फैमिली प्रेज टू द गॉड, अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा फार्मर सिंगुलर था, यहाँ हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, फैमिली को हमने कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में लिया है तो सिंगुलर की तरह से ट्रीट होगा यहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, तो कंजक्शन की हेल्प से जुड़ेंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा द फार्मर एंड हिज फैमिली प्रे टू द गॉड। ओके,